एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, फाइनली लिनोवो K8+ के लिए एंड्रॉइड 8.0 ओरियो अपडेट रिलीज हो चुकी है, वो भी ऑफिशियली। और इसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने ऑफिशियल ऐप जो कि लिनोवो हेल्प का एप्लीकेशन है उस पर अपडेट की है, जो कि मैंने आज ही देखी। और मुझे लगा आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर देना, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे लिनोवो हेल्प का आपको इनबिल्ट मिलता है इस फ़ोन में, उसको आपको ओपन करना है। और उसके बाद में यहाँ पे ऊपर में आपको सर्च बार मिलेगा, तो इस सर्च बार में आपको टाइप करना है लिनोवो K8+ और इसको आपको सर्च कर देना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ स्टार्टिंग में रिलीज मेंटेनेंस रिलीज नोट्स मिलेंगे, जो कि सिक्योरिटी पैच अब तक की जो लिनोवो के लिए अपडेट की गई, मतलब रिलीज़ की गई, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी स्टार्टिंग में। और जैसे आप नीचे पुल डाउन करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे 29th May 2018 के अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि एंड्रॉयड 8.0 के लिए है, ओरियो के लिए है। और मेंटेनेंस रिलीज नोट उन्होंने अपडेट की है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स फिक्स की गई इस एंड्रॉयड 8.0 अपडेट में, और कुछ नए इन्हेंस्ड फीचर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन अपडेट मेनी इन्हेंसमेंट इंक्लूडिंग न्यू मल्टीटास्किंग फीचर्स एंड मोर एफिशिएंट नोटिफिकेशन कंट्रोल एंड इम्प्रूव डाटा सर्वर एंड बैटरी फीचर्स एंड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अपडेट 4 मई का हो जाएगा, जैसे आप इसको अपडेट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे नेटवर्क और कॉल में इंप्रूवमेंट किए गए कुछ, और स्टेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट किए गए हैं। और भी कुछ नए फीचर्स आएंगे एंड्रॉयड ओरियो के साथ में, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं की यहाँ पे, ना ही उन्होंने लिखी है ना मेंशन की अपने साइट पे। लेकिन आपको बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड्रॉयड 8.0 ओरियो में, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए एक मैं इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज़ से आपको ये वीडियो बना रहा था कि अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। ऑफिशियली तो उन्होंने अपने साइट पे और अपने लिनोवो हेल्प के एप्लीकेशन में इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी है, लेकिन इसको ओटा के थ्रू, मतलब ऑन द एयर आने के लिए समय लगेगा थोड़ा। जैसे कि आपको पता है कि मेंटेनेंस रिलीज नोट जैसे कि सिक्योरिटी पैच की होती थी, उनको भी 1 महीना कम से कम लगते हैं, उसके बाद में कम से कम 1 महीना लगता है ओटा के थ्रू अपडेट आने के लिए। लेकिन इन्होंने अपने एंड्रॉयड ऐप में मतलब अपडेट इन्फॉर्मेशन कर दी है, और सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है। अभी आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाके वहाँ से एंड्रॉयड 8.0 ओरियो को अपडेट करा सकते हैं अपने फ़ोन में, लेकिन अगर आपको ऑन द एयर ओटा के थ्रू चाहिए तो उसके लिए आपको वेट करना होगा दोस्तों। तो कुछ देर या कुछ दिनों के लिए वेट कर लीजिए, 1 महीना लगभग लगेगा मेरे हिसाब से, एंड ऑफ द जून आप तक आपको अपडेट आ जाएगा, तब तक आप वेट कर लीजिए। अगर आप वेट नहीं कर सकते, आप सर्विस सेंटर विजिट करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि अगर उनके पास अपडेट अवेलेबल होगी तो वो लोग आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे, वो भी USB केबल के थ्रू। तो मुझे लगा आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहिए। मैं आपको आने वाले समय में और भी वीडियोस लाकर देने वाला हूं इस एंड्रॉयड 8.0 ओरियो अपडेट के बारे में, जो कि लिनोवो K8+ के लिए रिलीज़ की गई है। और कब तक ये एग्जैक्टली आएगा उसके बारे में भी मैं आपको अगले आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूं, तो तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और जब भी मेरी नई वीडियोज़ आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।